वेलकम टू माय क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है हमने इसका। तो हम सिंपल यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या इसका, मल्टीप्ली बाद में फिर मैं आपको समझाऊंगी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या और आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सही किया कि नहीं किया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर मैं बताती हूँ क्या आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया है जो क्वेश्चन है हमारे पास। इसको सॉल्व करोगे तो 5 3 टाइम्स क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 8 7 टाइम्स हमारे पास क्या आता है, 56 आ जाता है। और ये यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 15/56 आ गया इसको सॉल्व करने के बाद। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 15/56 का जो है इसको सॉल्व करने के बाद 15/56 आया, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इसका 15/56 का इस क्या है, इसको उल्टा दो। इसको उल्टाओगे तो क्या आ जाएगा, 56 ऊपर आ जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। अब मैं बताती हूँ कैसे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, कंसीडर करें कि टू रैशनल नंबर्स हैं, एक पी बाई क्यू, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, क्यू बाई पी। ठीक है, तो आगे हम सॉल्व इसको कैसे करेंगे, पी बाई क्यू और क्यू बाई पी हमने लिया तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। इसको सॉल्व करो पी क्यू, इधर सॉल्व करो पी क्यू, कैंसिल करो, 1 आ गया। तो हमने ये नोटिस किया प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स हमारे पास 1 आ गया। इस टू रैशनल नंबर्स जो है पी बाई क्यू और क्यू बाई पी क्या है, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, सॉल्व करने पे 1 आ गया। और और 1 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और जो है हमारे पास इसी तरह 2 और 1/2 जो है एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसी तरह जो है हमारे पास -5 और 1/5 एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, और 3/7 और 7/3 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब हम भी जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो हम जो है आगे सॉल्व करके देखते हैं। 1 की इक्वल आ गया तो हमने सही से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिया। तो हमने ये कहा कि इसको सॉल्व किया तो 15/56 आया, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 56/15 है। तो हम यहाँ पर लिख के देखते हैं इसको कि हमने सही कहा 15/56, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया, 56 ऊपर आ जाएगा और 15 क्या आ जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये उल्ट हो गया ना। ठीक है, ये 15 से कैंसिल, 56 से कैंसिल, और किसकी इक्वल आ गया, 1 के। इसका क्या मतलब है, हमने यहाँ पर इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया वो सही से ले लिया था। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो चले गए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।